क्या हुआ? डर लग रहा है। अब बताता हूँ कि स्टंट है क्या। खिलाड़ी जो होगा वो होगा गाड़ी के अंदर, दूसरी गाड़ी के एंड में जो फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, और वापस जंप करना इस गाड़ी के एंड पर आना है, यानी के डिग्गी की तरफ। हाँ। वहां पर वेलक्रो है, फ्लैग को चिटकाना है। ऐसा लगता है सर कभी कभी कि हम उस साइड पे आपके साइड पे होते तो कितना अच्छा होता, जैसे एज अ असिस्टेंट होते। अच्छा, तुम्हें लगता है ऐसा ना, तो एक काम करो, आओ। कम ऑन, एक्शन। लाइट हमेशा सामने रखता है तू यार, ठीक है? यू रेडी? रेडी सर। ओके। डर लग रहा है? यस सर। जी सर, आपके लिए लग रहा है उधर से मारना पड़ जाए। मुझे भी लग रहा है। गूगल करो मैं कौन हूँ। दो स्टंट करेंगे, करण एंड करिश्मा। हाथ लॉक करना है और आंखों पे पट्टी बांधनी। सर सर, फ्रॉग, एक मिनट। फ्रॉग सर, फ्रॉग। फ्रॉग तो धर्मेश ने पहनी है। नहीं मुझे नहीं। इसकी यार ये क्यों लाए? भारी है क्या? अरे तुम लोग ऐसा मस्ती में भी ये क्यों लाते हो? सर इसका भरोसा नहीं रहता ना, बोला है। ए बाबा। एक मिनट, मेरा घर पहले पास में आ रहा है। एक मिनट। डायरेक्ट। अरे डायरेक्ट। एक मिनट। बोला एक मिनट। पुश। मम्मी। मॉन्टल लिज़र्ड। वो लंबे वाले ग्रीन वाले लिज़र्ड। सर इगुआना, इगुआना। वेरी गुड। तो चलिए बढ़ते अगले स्टंट की तरफ। अगला स्टंट कौन करने वाला है? सर मैं और बलराज। माइंड ब्लोइंग। ये तीन हिस्से जो है वो होंगे टैंकर के अंदर। टैंकर के अंदर होगा पानी और इस टैंक के अंदर होंगे आप। टैंकर के ऊपर आना, टैंकर के एक एंड से दूसरे एंड तक भागते हुए आना है और झंडा गाड़ना है हमारे फियर फैक्टर का। स्टंट वहां खत्म होगा और ये सब कुछ मूवमेंट में होगा। सर टैंकर का जो पानी है वो गले के नीचे होगा ना? गले के नीचे होगा पानी, लेकिन बेटा जब टैंकर चलता है ना, कभी देखा है टैंकर के अंदर का विजुअल पता है कैसे होता है? ये सोच लो कि समुंदर में जब सुनामी आती तो क्या होता है। ये पड़ाव ऐसा है कि यहाँ पर एक भी चूक अलाव नहीं है। जैसे ब्रेक लगेगी पूरा पानी उछलेगा, फेस के ऊपर पूरा पानी आने वाला है, तो नाक में जाएगा, आंख में जाएगा, मुंह में जाएगा पानी पूरा। सो बोल नहीं सकते क्या होगा। मुझे अभी ये सब चीजें पे ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ ध्यान ये देना है कि मैं मेरा स्टंट किस तरह से कंप्लीट और सही तरीके से कम टाइम में करूं। अंदर हाथ खराब हो गया किसकी यार। बाजीगर, कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और कुछ हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।